हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आज हम वो टॉपिक पे बात करेंगे कि जो CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, जहाँ पे हमको बहुत दिक्कत होती है, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये सब कन्फ्यूजन आपको ना हो, बिकॉज एग्ज़ाम का फॉर्म भरना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहाँ मिस्टेक्स होना नहीं चाहिए, इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि हम एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो यह आपका वेबसाइट है एग्ज़ाम ICMAI, या आपका वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन में, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, स्टूडेंट सेक्शन में। स्टूडेंट सेक्शन के बाद आपको दिख रहा है एक्टिविटीज़, दिख रहा है सबसे फर्स्ट सेक्शन है एक्टिविटीज़, उसके नीचे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम को अप्लाई करना है, तो हमने किया उस पर टिक। फिर यहाँ पर कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है, देखो, पुट करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने CMA के लिए रजिस्टर किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो डालना है हम लोगों को, करेक्ट है। उसके बाद आपको सारे डिटेल्स लगेंगे आपके, आपका फोटोग्राफ लगेगा और आपका सिग्नेचर लगेगा, वो भी फॉर्मेट भी दिया है यहाँ पे, JPG, JPEG, BMP फॉर्मेट, अंडर 40 KB उसका साइज का लिमिट है, 40 KB के ऊपर रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 40 KB के अंडर वो लिमिट चाहिए। फिर आप पेमेंट करेंगे, ख़त्म। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज़ फिल योर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपके डेटा, वैसे तो पूरा एग्जाम फॉर्म ही केयरफुली भरना है हमको, ठीक है, ओके। चलो चले फिर आगे, यहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आ रहा है आपका सिलेक्ट योर कोर्स, कौन से कोर्स के लिए आप लोगों को आपका फॉर्म भरना है। सो आई एम योर शोइंग यू CMA फाउंडेशन का, CMA इंटर का हमारे क्लास के तरफ से ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है CMA इंटर के लिए, जिसको नहीं पता है, CA तेजस अर्लीकट्टी सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन, तो हम करेंगे फाउंडेशन सिलेक्ट और फिर हम करेंगे क्लिक हियर, ठीक है। June 2021 का टर्म है, यहाँ पे फीस बता रहा है वो 1200 का। अब हम जाएंगे, ये सब जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक एक्सेप्ट लिखा है, अपन कर लेंगे एक्सेप्ट। करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमने डाल दिया हमारा अभी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है। उसके बाद हम करेंगे प्लीज़ चेक करके, ठीक है, ओके। कर दिया क्लिक हियर, करने के बाद, क्लिक हियर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका स्टूडेंट्स डिटेल्स के अंदर है अपन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी है तो वो करना है अपने को। फिर आप लोगों का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपके नाम के साइड में जो क्लिक हियर है हम उस पर क्लिक हियर कर देंगे, तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और रजिस्टर्ड फुल नेम ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद अब आपका जेंडर टिक करेंगे, मेल फीमेल, जेंडर टिक कर दिया। उसके बाद आपको आपके फादर का नाम डालना है, आप यहाँ पे आपका फादर का नाम डालेंगे। वो हो गया, उसके बाद आपका एड्रेस ऑलरेडी प्रीफिल आ जाएगा, बस एक बार चेक करना कि वो सही है या नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे इसको, आप एक बार आपका पूरा एड्रेस अच्छे से पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद का मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पे आप लोगों का आगे जाके वो की वगैरह आएगा एग्जाम के टाइम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप आपका मेल और आपका फोन नंबर 2-3 बार चेक करें। देखो यहाँ पे इन्होंने भी ब्लू में डाला, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ भी प्रीफिल्ड आ जाएगा, आगे का डेटा है जैसे फिजिकली चैलेंज्ड है, आगे आपका हम एक एक करके अब डेटा फिल करेंगे, ठीक है। ये डेटा है, फॉर एग्जाम्पल SC ST टिक करेंगे, आपको मीडियम कौन सा, आपको एग्जाम देनी है इंग्लिश, आपका जहाँ पे एग्जाम सिटी नेम, जहाँ से आपको एग्जाम देना है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग एरियाज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल Pune 2, Pune 1, तो हमने Pune 2 सिलेक्ट किया। आपका सिलेबस ऑफकोर्स 2016 द लेटेस्ट वन, आपका अब हम फाउंडेशन का फॉर्म भरे तो ग्रुप या स्टेज अप्लाइड फाउंडेशन, अगर इंटर का भरते तो इधर 1-2 का ऑप्शन आता है। अब इधर आता है मोड ऑफ कोचिंग, मोड ऑफ कोचिंग जो है ये पोस्टल ओरल, मतलब पोस्टल, आपके बुक्स आपके घर तक आ जाएंगे, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
सबमिट करेंगे। मेक श्योर जो स्टारमार्क वाली चीज़ है वो सारी आपने भर के रखी हुई है। और एक बात, रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आपको पोस्टल और ओरल की बात आ जाती है जब आपको वहीं पे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जब आपने वो किया था वही वाला करें तो बेटर रहेगा। फिर आ रहा है सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज अटैच फोटो एंड सिग्नेचर एंड पेमेंट बाय क्लिकिंग अबव बटन्स। तो अभी हम फोटो अटैच कर देंगे, सिग्नेचर अटैच कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हमने ओके कर दिया यहाँ पे। ये देखो फॉर्म के ऊपर ऊपर आएंगे तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अभी अपन स्टूडेंट डिटेल के सेक्शन में थे, अभी हम कर देंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका नाम दिखता होगा, करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अपलोड वैलिड फाइल एक्सटेंशन जो उन्होंने बोला है वही फॉर्मेट में 40 KB के अंदर। ठीक है, अब हम पासपोर्ट फोटो अपलोड कर देंगे। तो चूज फाइल, जहाँ पे भी आपके डेस्कटॉप पे वो सेव्ड है वहाँ पे से जाके आप उसको क्या कर देंगे, चूज कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जहाँ पे सेव किया था उसको मैंने ओपन कर दिया है। बराबर है, इसको हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इमेज अपलोडेड दिख के आ रहा है, हम ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर देंगे, चूज फाइल अभी सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर आपकी जहाँ पे भी सेव्ड है, साइन करना है पेपर पे, फोटो खींचना है JPG फॉर्मेट में, बस 40 KB से कम साइज अगर नहीं है, अगर साइज एडजस्ट करना आप लोगों को नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन कंप्रेसर होता है, ऑनलाइन उसको कंप्रेस कर दे। आप टाइप कर देंगे गूगल पे ऑनलाइन कंप्रेसर, वो इमेज फाइल या आपकी जो भी फाइल है अपलोड करो उसको, वो कंप्रेस हो जाएगी। ये आपका सिग्नेचर है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑनलाइन पोर्टल है स्मॉल PDF, इसमें जाके हम क्या कर देंगे, कंप्रेसर। इसके लिए हमको क्या करना है, JPG को यहाँ पे जाके अपने को वो इमेज को इधर डालनी है, कंप्रेस का बटन दबाना और आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा फाइल, यानी कि उसका साइज बेसिकली कम हो जाएगा। ये देखेंगे हमने कंप्रेस का बटन ऊपर से सिलेक्ट किया है, वो बोल रहा है चूज फाइल, हम चूज फाइल आपकी जो भी फाइल है उसको चूज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिग्नेचर को चूज कर रही, इसको ओपन कर देंगे, वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। हम बेसिक कंप्रेशन कर लेंगे, देखो 3.14 KB पे हो जाएगा, अपने को वैसे भी 40 से कम चाहिए। होने के बाद वो बोलेगा डाउनलोड कर लो, तो अपन इसको डाउनलोड कर देंगे और इसी को क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे। देखो ये है आपका सिग्नेचर वाला फाइल जो हमको अपलोड करना है, इसको ओपन किया हमने। फिर उसके बाद वो ओपन होने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, अपलोड का बटन दबा देंगे, वो बोलेगा इमेज अपलोडेड, हम ओके कर देंगे। तो आपको दिख रहा है कि फोटो और सिग्नेचर दोनों इधर आ गया, करेक्ट है, आपने ये भी कर लिया। फिर हम आएंगे पेमेंट वाले सेक्शन पे, कहाँ पे आएंगे, अब पेमेंट। अब आपको कौन सा पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो अभी जब मैं डिटेल्स डाल रही हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा नहीं कुछ, आप लोग आपके डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे जो आपको पेमेंट के लिए यूज़ करने हैं। आपका अमाउंट दिखता होगा आपको, एग्जाम फी 1200, आपके पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन है उस पे जाके सिलेक्ट करें और आप पेमेंट करेंगे। अभी देखो पेमेंट होने के बाद योर पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टिल नॉट कंफर्म्ड एंड सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। देखो अभी पेमेंट आपके अकाउंट से चला गया है, थोड़ा टाइम लगता है बेटा, सर्वर में वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप ऑटोमेटिकली जब आप री लॉग इन करोगे तो दिखेगा कि आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर दिया है, आपको डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू फिल CMA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म। फटाफट से आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे, अभी भी टाइम है। 20th में इज द, अभी जो जितना अनाउंसमेंट अभी तक हुआ है, 20th में इज द लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, जिनको अटेम्प्ट अभी देना है जुलाई 2021 के अंदर। अच्छा, आप आई डोंट नो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, होप अच्छी चल रही होगी, यू गाइज आर डूइंग गुड एट योर होम। नाउ वी हैव लॉन्च, आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव लॉन्च्ड CMA फाउंडेशन के लिए संजीवनी बुटी सीरीज, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिफोर यू स्टॉप वॉचिंग द वीडियो आई लेट यू नो कि ये वाली चीज फ्री ऑफ कॉस्ट रखिए, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं इस रिविजन सीरीज का। मतलब इसको हमने पूरे 5 पार्ट में डिवाइड किया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे रिविजन ले रहे हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी इसका पार्ट जड़ी बूटी 1 यानी कि ऑलरेडी आप लोगों को अपलोडेड दिखेंगे लेक्चर्स। आप संजीवनी
अपनी बूटी सीरीज, इतना सर्च करोगे हमारे क्लास के चैनल पे, आकाश अग्रवाल क्लास के चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहे हमसे, इंस्टाग्राम पे रहे, फेसबुक पे रहे, जितने भी अपडेट्स है, जितने भी नोट्स रहेंगे वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। एंड बहुत सारे सरप्राइजेस आने बाकी है अभी आपके, तो उसके लिए आपको ट्यून्ड रहना पड़ेगा। एंड डू वॉच दिस सीरीज, दिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरी गारंटी। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे अभी का अटेम्प्ट, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो भी आप हो जाएंगे। आप श्योरली ये वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, और वो भी लिंक है जिसमें हमने सारी सीरीज अच्छे से एक्सप्लेन किए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे करना है। हम इसके टेस्ट भी लेने वाले हैं, ये देखो आपको दिखता होगा, पार्ट 4 में हम टेस्ट लेने वाले हैं, पार्ट 3 में हम लाइव क्विज लेने वाले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यू एग्जाम होता है। तो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, हमको ये सब कुछ करना है। हमने ऑलरेडी अकाउंट्स के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोडेड है, इको टू एन एक्सटेंट अपलोडेड है, बाकी का धीरे धीरे आते रहेगा चैनल पे, बस ट्यून्ड रहे। आप लोगों को अगर और भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं पक्के से उस चीज पे ध्यान दूंगी। आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट, इफ यू नीड एनीथिंग पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा, हेल्प हो रही है, लाइक करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्टेड रहो। एंड डू वॉच संजीवनी बूटी, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, मतलब अब बाद में पक्का याद करोगे, आप सीरीज देखना तो चालू करो। ओके एवरीवन, सी यू ऑल, ऑल द बेस्ट।